वेट, होल्ड ऑन। इससे पहले हम कार से ड्राइव पे जाए, हम एक जर्नी देखते हैं जो शायद हर एक कार बायर इस स्टेज से गुजरता हो। बचपन से हम कुछ ना कुछ ड्राइव करते आ रहे हैं, मिनी साइकिल, ट्राई साइकिल, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी एंड लॉट्स ऑफ देम। पर उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं, बड़ी साइकिल से लेके गियर्स वाली माउंटेन बाइक तक। देखते ही देखते हम साइकिल से बाइक पे पहुंच जाते हैं। अब बात आती है टर्निंग पॉइंट की, जो है कार, जो कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, और आज इस पल को हमारी वो ख्वाहिश पूरी हुई है इस कार के बदौलत। मैं उस व्हील इन्वेंटर को थैंक्स ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके उस इन्वेंशन की वजह से आज हमारी लाइफ इतनी आसान हुई है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ राज यादव बैक अगेन विद दिस न्यू व्लॉग। और आज मैं दिखाऊंगा मेरी कार के बारे में इस व्लॉग में, क्योंकि लेने के टाइम से, मतलब जब से हम लोग लिए हैं कार को, तब से मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। बस मैंने इंस्टा पे फोटोज़ डाले हैं, बट व्लॉग नहीं बनाया इसके बारे में। एंड बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तो, एज़ पर फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मज़ा आ रही है चलाने, बहुत ईजी टू ड्राइव है। एंड फिलहाल कैबिन में एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एकदम साइलेंट है, बाहर का ज़्यादा नॉइज़ नहीं आता है अंदर। एंड व्लॉग के लिए बहुत अच्छी बात है बाहर का आवाज़ नहीं आना, एंड आप मुझे क्लियरली सुन सकोगे। फिर भी मैंने एसी वगैरह बंद रखा है फिलहाल के लिए, आवाज़ क्लियर आने के लिए। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है फिलहाल तो देखते हैं अभी इस व्लॉग में क्या क्या देखने मिलता है, और मिलाता हूँ मेरी कार से आपको इसमें। सी यू देयर। और ये है इसकी कीलेस गो की। यूजुअली इसका बाकी गाड़ियों में आपने देखा होगा यहाँ पे की होल होता है, सो इसमें वो नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्टार्ट स्टॉप बटन है इंजन का, ये रहा, सो इससे ही चालू होती है वो। इसके अलावा वो चालू तो होती नहीं है। एंड एक सेफ्टी फंक्शन भी दिया है इसमें, ये वाला, ये ऐसा ये चाबी निकल आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये रिमोट के फंक्शनिंग पे है, तो ऑक्स वगैरह सब है। सिर्फ इसमें ब्लूटूथ नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें। एंड फिलहाल अभी ये बातें हम कम करते हैं और ड्राइव करते हैं ज़रा गाड़ी, ठीक है, लेट्स गो। देखो थोड़ा शेकीनेस आएगा, सो माइंड मी, क्योंकि न्यू हूँ थोड़ा, तो ऐसा होना ही है। अभी एसी चालू किया है तो आवाज में थोड़ा फर्क आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो सब स्मूथ चल रहा है। एंड सिग्नल दे देता हूँ। ओह शिट, तो अभी आपने जैसे देखा कि वो वीडियो में कैमरा इधर उधर बाउंस हो रहा था, एक्चुअली मेरे पास वो प्रॉपर माउंट नहीं है इसका, कैमरा का। एंड ये भी थोड़ा, ये सरफेस है ना इधर का, वो थोड़ा ये है, मतलब स्लिपरी है, सो वो कैमरा इधर उधर बाउंस हो रहा था, जैसे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे या कुछ पॉट होल्स आ रहे, कुछ भी आ रहा है तो ऐसा बम्प बैठ रहा था उसको।
सॉरी फॉर दैट, बट कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है फिलहाल के लिए तो, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल तो. एज आप देख सकते हो सब स्टॉक ही रखा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा भी हाई फंड हो ऐसा कुछ करना मुझे पसंद नहीं है, मतलब शो ऑफ यूजुअली. सो एक और फीचर जो मुझे ऐसा लग रहा है मिसिंग है वो है रियर पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग का. एंड अगर वो होता तो और भी अच्छा हो जाता, नहीं तो अभी सेंसर्स पे ही काम चला रहे, देखते बाद में अगर अपग्रेड किया तो कर लूँगा वो. पेट्रोल भर के अब हम जा रहे हैं मार्केट में फर्स्ट टाइम, एंड आज मेरे साथ है यश. सो उसको भी देख लेते कैसा लगता है उसको एज फर्स्ट इम्प्रेशन. पेट्रोल भरा के अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं मैत्री पार्क, देखते हैं कैसे होता है सीन, क्योंकि बहुत टफ है यहाँ पे. मतलब उधर एक स्लोप है तो स्लोप पे गाड़ी चलाना बहुत टफ काम है, एंड एज न्यू ड्राइवर हूँ तो थोड़ा टेंशन आता है, फेस पे दिखता है, तो बेयर विथ मी, ऐसा सीन है वो. और ये आधे लोग हमें सिग्नल तोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं. A few moments later. And so is the time to end this vlog. और आज बहुत fun किया, मज़ा आई बहुत drive करने में. पहले तो मैं अकेले ही था, बाद में मैंने भाई को लिया assist करने. As you have seen, that camera has fallen from the dashboard. Seat पे गिर गया direct. So अच्छा हुआ कि seat पे ही गिरा, नीचे गिरता तो इसकी तो band ही बच जाती. मतलब actually मेरे पास proper mounts नहीं है अभी फिलहाल तो, car में जो लगाते हैं लोग वो वाले. सो अगर वो होता तो ऐसा हादसा ही नहीं होता. एंड मेन बात ड्राइविंग के टाइम ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्चुअली रोड पे ध्यान होना चाहिए. तो मेरा फोकस वो था और हो जाता है कभी ना कभी, तो अच्छा हुआ भाई था बाद में, फिर तो वो शॉट एक शॉट के लिए कवर अप हो गया. उसके बाद अब बात आती है कि आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जो आपने कार ड्राइविंग या बाइक ड्राइविंग के टाइम जो भी आपको लगता होगा वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो इन द कमेंट्स बिलो. मुझे अच्छा लगेगा कि हर एक के एक्सपीरियंस जानने को, हर एक का अलग एक्सपीरियंस होता है. सो या विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और फिर एक बार मिलता हूँ मैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ. टिल देन सी यू इन बाय बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. I'm ready to let go.